एक्ट का केस लगा हुआ तो मतलब कंप्लेनेंट या विक्टिम जो है माइनर है, उसके साथ धक्का मुक्की करना, उसको कहना कि तू बयान बदल नहीं तो तेरे को मार डालेंगे हम, आप उसके चंगू मंगू हैं, ऐसा इसके एफआईआर। आपका ये कृत्य अगर हम कह दें कि बड़ी ऑर्डिनरी सी चीज है, चलता रहता है, तो इस देश में से कानून व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए आपके हिसाब। बयान नहीं बदलोगे तो तेरे परिवार को खत्म कर देंगे, धक्का दे रहे थे, ये कोर्ट के अंदर की बात है सर, ऐसा कोर्ट प्रमर है तो और क्या है? कोर्ट एलिगेशन है सर जी। माय सबमिशन इज दैट, तो अगर ये एलिगेशन सही हैं तो आपका क्या विचार है, क्या गवाहों को धमकाने का, उनके साथ धक्का मुक्की करने का, वो भी कोर्ट प्रमाइसेस के अंदर, एक नॉर्मल कंडक्ट है कि एक सीरियस? सर मेरा दो सबमिशन है सर, अगर रियल में ऐसा हो, मैंने क्या कहा, अगर ये सही है तो जी सर, मैं अभी कोई फाइंडिंग तो दे नहीं सकता कि सही है, मैंने वैसे ही पूछा कि अगर ये सही है तो। तो इट हैज टू बी कंप्लीट बिफोर द मजिस्ट्रेट, ये ऑर्डिनरी सा चीज है कि सीरियस चीज है? सीरियस है सर, डेफिनेटली सीरियस, अनडिस्प्यूटेड, मतलब इसको सीरियसली देखना चाहिए जी सर। अच्छा, बट सेम टाइम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज हैज टू बी सीन कि विदाउट मेकिंग एनी कंप्लेंट टू द कंसर्न्ड कोर्ट बिफोर हुम द एविडेंस हैज टू, क्या करेगी सर? आप मुझे ये बताइए कि मेरी कोर्ट के बाहर कॉरिडोर में कुछ हो जाए, मैं क्या करूंगा उसमें? फर्स्ट द सुनिए सर, जी सर, मेरी कोर्ट के दरवाजे के अंदर कुछ होता है, I have different role to play. Court के दरवाजे के बाहर corridor में कुछ होता है, I have nothing to do with that. But मैं क्या करूँ उसके लिए सर? But has to be complained to the court. कोई जरूरत नहीं है सर, कोई जरूरत नहीं है. What is the, where is the requirement of law? सर तो सेकेंड आर्गूमेंट, लैम्प ऑफ आर्गूमेंट सर ये है कि सर इसमें बयान बदलना is not a false. हाँ हाँ, बयान बदलवाना तो नॉर्मल चीज है, यही तो पूछ रहा था मैं सर, ऐसा धम बयान बदलना और बयान बदलवाना, इन दोनों में अंतर होता है। तो एलिगेशन सर ये कि बयान बदलवाने के लिए, तो उन्हें अगर बयान नहीं बदला तो तेरे परिवार को खत्म कर देंगे और कोर्ट प्रमाइसेस में धक्का मुक्की की गई, आपके हिसाब से बड़ी नॉर्मल सी चीज है, तो हम मान लेते हैं कि सर नॉर्मल होगा, तो कानून का तो फिर कोई राज ही नहीं बचा। इनके स्टेटमेंट देखें 164 पे, वो भी देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं सर, आपके विरुद्ध ये आरोप है या आपके अक्यूज के विरुद्ध ये आरोप है कि उसके खिलाफ 376 का और पॉक्सो एक्ट का केस चल, हम नहीं सर, आपके अक्यूज के खिलाफ, हाँ। मैंने कहा ना हम तो, आप उसके चंगू मंगू हैं, ऐसा इसके एफआईआर के सर, उसके परिवार वाले सर, हाँ नहीं चंगू मंगू भी हुए, ठीक है, चंगू मंगू में दोस्त भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, हाँ इसलिए मैं जानबूझ के जी सर। अब एक 376 का अपराधी है, उसका ट्रायल चल रहा है, पॉक्सो एक्ट का केस लगा हुआ तो मतलब कंप्लेनेंट या विक्टिम जो है माइनर है, उसके साथ धक्का मुक्की करना, उसको कहना कि तू बयान बदल नहीं तो तेरे को मार डालेंगे हम। सर वो विटनेस भी उस दिन विटनेस भी हुए सर, हो गए कि नहीं हुए मुझे नहीं मालूम। आपका ये कृत्य अगर हम कह दें कि बड़ी ऑर्डिनरी सी चीज है, चलता रहता है, तो इस देश में से कानून व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए आपके हिसाब से। इट इज द सीरियस, तो आप ही को तो कानून का रखवाला बना दें, अपराध करेंगे ऐसा आरोप लगेगा तो हम मारेंगे विटनेसेस को, ऐसा आप कहना चाहते हैं? देन हाउ कैन यू से कि सर इट इज अ नॉर्मल थिंग, चलता रहता है सर ये तो। जिस दिन सर किसी व्यक्ति की घर की बेटी के साथ ऐसा होगा ना, उससे पूछना फिर चलता है कि नहीं चलता, इट इज नॉट अ ऑर्डिनरी एक्ट, फिर क्या करेंगे सर? बट माय सबमिशन इज ओनली विद रिस्पेक्ट टू द राइट सर, आई विल पास द ऑर्डर सर। सर अब तो मेरे ख्याल से बयान भी होगा, वो कि सर ये इनफेक्शस हो गई होगी, कोई 15-2 को बयान होने, तो आप बताइए मैरिज पे ऑर्डर लेना है क्या? विथड्रॉ कर लेंगे सर, 5792/2024, मैंने एक पिटीशन ऑलरेडी खारिज की हुई है यहीं पे जबलपुर में, और एक मेरी जब ग्वालियर में कल ही अफर्म हुई है सुप्रीम कोर्ट, और उसमें वो 2D का एक्सप्लेनेशन को ही हमने रिलाय किया जी। 5792/2024 आफ्टर आर्गुइंग द मैटर एट दिस एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी हैज बीन फाइल्ड सीकिंग द फॉलोइंग रिलीफ आफ्टर आर्गुइंग द मैटर एट लेंथ द काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट सीक्स परमिशन ऑफ दिस कोर्ट टू विथड्रॉ दिस एप्लीकेशन इट इज अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड एज विथड्रॉ।